खबर इंडिया में मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रदेश में पिछले एक साल से दल बदलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस में एक और बड़ा नेता भाजपा में शामिल हो गया है। वहीं सरताज सिंह ने पुनः भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। भाजपा के दिग्गज नेताओं में शामिल सरताज सिंह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। वे शिवराज सरकार में भी PWD वन मंत्री रह चुके हैं। 2018 में हुई विधानसभा चुनाव में सरताज सिंह शिवनी मालवा से भाजपा से टिकट चाह रहे थे। टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने पार्टी बदलने का फैसला कर लिया। वहीं सरताज सिंह को कांग्रेस ने होशंगाबाद से टिकट दिया था, लेकिन सरताज सिंह बुरी तरह चुनाव हार गए। इसी के चलते एक दिवस प्रवास पर शिवनी मालवा दौरे पर आए भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सरताज सिंह का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने बताया, भारतीय जनता पार्टी परिवार है और परिवार में खटपट होती रहती है, लेकिन अब घर वापसी हुई है। उन्होंने कहा कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की नगर सरकार बनने जा रही है। पुनः वापसी हुई है भाजपा में, आज जो सम्मान समारोह कार्यकर्ताओं के द्वारा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, मुझे प्रसन्नता है वापस आने की। आखिर ऐसा क्या हो गया कि उपचुनाव को देखते हुए ये जो घर वापसी भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस बात की तारीफ की है, प्रदेश अध्यक्ष ने भी की है, क्या कारण हो सकता है? अब देखिए, मैं 60 वर्षों से भाजपा से जुड़ा हूँ। कुछ कारण हो जाते हैं, परिवार में भी हो जाते हैं, कारण हो गए, आक्रोश में कदम उठा लिया, लेकिन वैचारिक रूप से तो मैं भाजपा से जुड़ा हूँ और मेरे विचार वहाँ तालमेल नहीं खा रहे थे और उनको शिकायत भी थी कि भाई आप तो भाजपा की बात करते हो, तो उस नाते अब राजनीतिक मंच चाहिए तो फिर मुझे यही सूट करता है, तो मैं यहाँ आ गया। ये आगामी नगरीय निकाय की भी सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं, इस चुनाव को कैसे देखते हैं खासकर? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब चुनाव की दृष्टि से जो कुछ सहयोग हमसे संभव होगा वो करेंगे, प्रत्याशी तय करना पार्टी का काम है। भाजपा के कद्दावर नेताओं में आपकी गिनती आती है, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, आपके हिसाब से किस प्रकार का अध्यक्ष होना चाहिए? देखिए, अध्यक्ष तो अच्छा होना चाहिए जो शहर का विकास करे, ईमानदारी से काम करे। अगर सूत्रों की माने तो लोगों का ये कहना है कि सरताज सिंह का हाथ जिसके ऊपर जाएगा वही अध्यक्ष होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पार्टी है, ये कोई मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है। पार्टी जो दो तय करेगी वही होगा। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या रहेगी इस निकाय चुनाव? रणनीति चुनाव जीतने की है और क्या है, चुनाव जीतकर उसके माध्यम से अच्छा काम करने की है और शासन का भी सहयोग रहेगा। भाजपा में वापसी के बाद शिवनी मालवा में खासकर आपका ये प्रथम आगमन है, कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें और आने वाली सभी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए विजय प्राप्त करें और राजनीतिक मंच के माध्यम से जनता के लिए काम करें, जनता का विश्वास जीतें। सूत्रों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें, सिवनी मालवा में एक अलग गुट भी नजर आ रहा है, तो इस गुटबाजी को कैसे खत्म किया जाएगा? प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर इंडिया। नमस्कार।